जी अज आजाद म्यूजिक वालों सब्जी मंडी कपूरथला आए हैं। जी सब्जी मंडी सुल्तानपुर रोड उत्ते हैगी है। असी अज मंडी विच कुछ लोगों ने गल करांगे जिद ना साडे नाल हैगे जी मिंटू भाजी जो सब्जी मंडी विच आदि का काम करते हैं। उन्होंने वालों असी अज पुछांगे कि जो लॉकडाउन सरकार ने लाया है उस बारे सब्जियों उत्ते कोई फर्क पै रहा है कि सब कुछ सही चल रहा। हाँ जी दसो जी तुहाड़ा नाम जी। महाराज बहुत नुकसान हो रहा, सब्जियां रुड़ गई, कोई गाहक नहीं, कोई मंडी खुली टाइम वधाया जाए, रेहड़ियां खुला टाइम दिता जाए, शामी 12 बजे रेहड़ियां बंद हो, बहुत परेशान होंगे, हर बजे नुकसान हो रहा, गरीब बंदा बहुत मारिया जा रहा, किसान भी नुकसान आप जा रहे हैं, बहुत नुकसान ज़्यादा हो रहा। टाइम वधाया जाए, सब्जी मंडियां टाइम वधाए जान, 12 बजे का टाइम, 5 बजे टाइम घटोघट जाना चाहिए। पुरानी सब्जी मंडी है, दुकानदार भी बहुत परेशान हो, पुरानी दुकानदार पुरानी सब्जी मंडिया वाले बहुत नुकसान हो रहा टाइम, इन्हें घट्टो घट 6 बजे का टाइम दिता जाए पुरानी सब्जी मंडी वाले जो साढ़े सौदा लिया के बेचन, तो ही साढ़े सौदा बिल्कुल नवी सब्जी मंडी से पुरानी मंडी का टाइम खुद भी ज़्यादा है, तो वाधा किया जाए टाइम इन्हों का, तो वह तो टाइम घटो घट 6 बजे चाहिए शाम में, बहुत नुकसान सब्जी मंडी टाइम वधाया जाए। हाँ टाइम वधाया जाए, तो टाइम आ दोनों दो तीन घंटे शाम में दिते जाए। बैठे हैं लॉकडाउन लगे काम है कि नहीं है, सब्जी मंडिया दो घंटे सब्जी मंडी खोलती है उसमें काम नहीं। कपूरथला शहर के बीजेपी के मेन मैंबर घर आए, उन्होंने नाम पूछा, तो उन्होंने ये पूछा कि उन्होंने पार्टी कोरोना की कर रही है, जो कि मतलब इस टाइम लॉकडाउन लगा है, कुछ मदद वगैरह करिए गरीब लोगों ने। अजय सर ता नाम की है जी? मैं श्याम सुंदर अग्रवाल, लगभग पिछले 40 साल तो भारतीय जनता पार्टी के नाल संबंधित, मैं पार्टी का 2 बार मंडल प्रधान भी रहा, 2 बार मैं पार्टी का जिला प्रधान भी रहा हाँ कपूरथले जिले का, और पिछले लगातार 25 साल तो मैं नगर कौंसल का पार्षद भी मैं चुनिया जाता रहा मेरे इलाके वालों। मैं अपनी बड़ी तनदेही के नाल ईमानदारी के नाल मेहनत के नाल पार्टी की सेवा कर रहा। ਅਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੰਤਰਗਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, जिस इलाके के ज़्यादा कोरोना की ज़्यादा अटैक हो रहा उन्होंने असं जागृत करते हैं, उन्होंने कोरोना की तकलीफ बारे समझाते हैं। बहुत सारे लोग कोरोना तो जागृत ही नहीं है, कोरोना लाइटली ले रहे हैं। असी शहर के लोड़ पैन पर मास्क भी बंडे आ, जो पहली बार करोना शुरुआत हुई 1 साल पहला असी गरीबों जोड़े लोग महीना महीना 2-2 महीने नौकरी पर नहीं जा सके दिहाड़ी पर नहीं जा सके उन्होंने असी आटा राशन जो भी साड़ी पार्टी वालों तय किया जाता है असी वो करते हैं, लेकिन असी उसका कोई न्यूज़ के पब्लिसिटी या किसी चैनल के पब्लिसिटी घट करते हैं, असी अंदरगति कोशिश करते हैं कि मानवता की सेवा करनी। सर आप दसो जो इस टाइम लॉकडाउन लगा है इन्हें कोई बिजनेसमैन व्यापारी कोई फर्क नहीं पाया? फर्क तो बहुत पाया, इस लॉकडाउन का साड़ी इकोनमी हिल गई, लोगों ने बैंकों को लिमिटा बनाई हुई, लोन ले हुए आ, बिजनेस कर रहे, दुकाना कर रहे, जो छोटे छोटे रेहड़ियों वाले भी आना ने भी
किसी ना किसी रूप में किसी को बेचारे कर्जा चक के अपना छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं। देखो असर तो बहुत ज़्यादा है, पर अमीर होइए गरीब होइए सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि जान हालत की जिंदा रहने की हालत में लोड़ा, गरीब को भी जिंदा रहने की लोड़ा, अमीर को भी जिंदा रहने की लोड़ा। जे साड़ी जान ही ना रही, जिस तरह मोदी जी ने कहा सी जान है तो जान है, असी जो चारा ही कोई नहीं रहिंदा सरकारों के कोल लॉकडाउन तो बिना, इस करोना की इस कड़ी को तोड़ने लिए लॉकडाउन बड़ा जरूरी है। लॉकडाउन भी सरकार मजबूर होकर ला रही है, हुण सरकार को पता लग चुका है कि जे असी लॉकडाउन लाने पूरी लॉकडाउन लाने तो सानू लोगों जो लोगों को घर बिठावे करोड़ों लोग नौकरियां नहीं कर जा सकेंगे, रेहड़ियां नहीं ला सकेंगे, अपन छोटी छोटी दुकाना नहीं कर सकेंगे, अमीर लोग बड़े लोग फैक्ट्री वाले लोग जो फैक्ट्री बंद होगी वो अपने इंपलाई तनखा देने तो भी आवाजा हो जाएंगे। इस तरह सारिया तकलीफा है, पर असी रोटी भावें अचार ना खा लीए सा जिंदा रहना बड़ा जरूरी, साड़ी इकोनमी हिल जाऊगी, असी बड़े मेहनती लोग हाँ, साढ़े हिंदुस्तानी बारहवें देशों जाके दिन रात एक करके मेहनत करके अज बारहवें देशों साड़ी बड़ी इज्जत आ, खास तौर पर पंजाबियों की। असी तगड़े हो जावे जे जिंदा रहे, अज की तरीक में तो सानू इस बीमारी के नाल लड़न लई हर वर्ग में एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए है। जे सरकार फुली लॉकडाउन लाएगी तो वो साढ़े करके लाएगी कि सानू सरकार बचाना चाहती है, साड़ी समाज में पब्लिक में बचाना चाहती है, साढ़े देशवासियों को बचाना चाहती है। सो है ये तो कुदरत की करोपी आ, कुदरत के नाल आपां लड़ तो नहीं सकते, लेकिन प्रभु अगे दुआ करते हैं हाथ जोड़ते हैं कि वो उपर वाले मालक ही सानू बचाऊंगे। लेकिन अपना एहतियात रखना, जागृत होना, बीमारी को समझना, ये सानू रब ने दिमाग दिता है, असी अवॉइड करिए, असी भीड़ भड़के में ना जाइए, असी जो सरकार दी गाइडलाइन उन्हां दी वायोलेशन ना करिए, तो यह बीमारी इस लड़ाई को असी पूरी तरह जित लवेंगे। सर तुम आज दसो कि करोना तो बचा जाए आपको करोना तो बचने लिए सब तो पहला तो मास्क लेना बड़ा जरूरी है, साढ़े लोग मास्क नहीं ला रहे, साडा मास्क का चलान करे पुलिस बड़े दुख की गल, यदा मतलब असी जिंदा नहीं रहना चाहते, जे असी एक मास्क नहीं मूँह से लगा सकते सानू बिना मतलब मार्केट नहीं घूमना करना चाहिए। कई लोग कोई काम नहीं होंगे बाजार में घर बैठे आ चलो चक्कर ला आने देख आने, ये वक्त बड़ा बच के रहूंगा, घरों बहर उस नागरिक को निकलना चाहिए आ जिन्हें बहुत अर्जेंट बहुत मजबूरी आ, कोई उसने शॉपिंग करनी आ, कोई घर का राशन लियाने, वो भी बड़ी जल्दी जल्दी लैके उसनों भीड़ भड़के दे विच घूमना करना नहीं चाहिए। सरकार का मेन अखबारों राही टैलीविजन राही सारिया सरकार भाजपा दरकार की नहीं मैं गल करता, सारिया ही सरकार सानू जागृत कर रही, डिस्टेंस रखना, दो चार फुट दूर रह के गल करनी, अपना खान पान वधिया रखना, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखनी। असी साड़ी तो संस्कृति आयुर्वेद तो शुरू हुई, असी देसी दवाइयाँ काढ़े पी के अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखिए, परहेज रखिए, अच्छा खाना खाइए, असी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखिए, असी इस बीमारी तो बच सकते हैं। सरकार कभी कुछ नहीं कर सकती जिनी देर असी देशवासी सहयोग नहीं करते, मोदी जी जां कैप्टन साहब जां कल्ले लीडर लोगों पर आप गल ना सुटिए,
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 1000 ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਸਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰਾਜੀ ਜੀ, ਸਟਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦ, ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਆਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਦੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਸਮਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ।